हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना कि जो नेचर की तरफ से चीज़ें ऑकर होती हैं, ठीक है। उसमें हमने कल पढ़ा था लाइटनिंग, क्लियर। आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक अर्थक्वेक। ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है, नेचुरली ऑकर होता है ये भी। तो बच्चे सबसे पहले आप देखो अर्थक्वेक होता क्या है। अर्थक्वेक क्या होता है कि आपकी ज़मीन जो है वो क्या हो जाती है, शेक करती है ना। अर्थक्वेक किसको कहते हैं कि जब सडन आपकी अर्थ जो होती है वो शेक होती है कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उसको आप क्या कहते हो, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, ठीक है, इज अ सडन शेकिंग ऑफ अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए क्या हो जाती है कि अर्थ का शेक होना, उसको आप क्या कहते हो, अर्थक्वेक। अब अच्छा होता क्या है कि अर्थक्वेक होता क्यों है कि आपकी जो अर्थ क्रस्ट होती है ना, अर्थ क्रस्ट के अंडर जो होती है वो कुछ मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। उसके अंदर जब कुछ मूवमेंट्स होती हैं उस वजह से आपका अर्थक्वेक आता है। वो अब हम आगे देखते हैं, पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इसमें क्या है अर्थक्वेक में। अब आपको पता है कि अर्थक्वेक जो है वो मतलब कहीं पर भी आ सकता है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, है ना, कहीं पर भी अर्थक्वेक आ सकता है पूरे अर्थ में। तो इसमें होता क्या बच्चे कि कुछ अर्थक्वेक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज़, ह्यूमन लाइफ, बिल्डिंग इन सबको डैमेज कर देते हैं, और कुछ जो होते हैं वो इतने माइल्ड होते हैं कि जब वो आते भी हैं तो उनका कुछ पता नहीं, मतलब फील नहीं होते कुछ अर्थक्वेक जो होते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं वो इतने इमेंस होते हैं, इतने ज़्यादा इमेंस होते हैं ना कि वो आपकी हाउस, आपकी बिल्डिंग्स, आपकी डैम, ब्रिज, उन सबको क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, या फिर यहाँ तक कि आपके जो लोग होते हैं उन वो भी क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं अपने हाउसेस में, ठीक है। तो बच्चे और अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक जब आता है तो उससे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उससे आपका फ्लड्स आ सकते हैं, ठीक है, फ्लड्स हो सकते हैं, आपकी लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, और आपकी सुनामी आ सकती है, ठीक है, वाटर में जो होती है सुनामी। ये किस वजह से होती है, जब आपकी अर्थक्वेक होगा आपकी अर्थ पूरी शेक कर जाएगी, जमीन ही पूरी हिल जाएगी, तो लैंडस्लाइड्स भी आएंगे, फ्लड्स भी आएंगे और सुनामीज भी आएंगे, ठीक है। तो बच्चे आपने देखा होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक था ना वो आया था आपका 26 जनवरी 2001 में, कहाँ पे, गुजरात में, भुज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये इंडिया का सबसे बड़ा जो आपका अर्थक्वेक है ये यहाँ पे आया था गुजरात में, भुज डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे क्या हुआ था बच्चे कि बहुत ज़्यादा आपकी बिल्डिंग जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, लोग मर गए थे। फिर इसके बाद जो आपका एक और मेजर अर्थक्वेक का वो आया था आपका कहाँ पे, कश्मीर में, 8 अक्टूबर 2005 में, 8 अक्टूबर 2005 में, कहाँ, कश्मीर में, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा आपका जो था अर्थक्वेक था, इसमें भी बहुत ज़्यादा लॉस हुए थे आपकी ह्यूमन लाइफ, आपकी प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, इन दोनों में। फिर उसके बाद अर्थक्वेक की ही वजह से आपकी एक सुनामी आई थी बच्चे, वो आई थी आपकी कहाँ पे, इंडियन ओशन में, 26 दिसंबर 2004 में, 26 दिसंबर 2004 में, ठीक है, कहाँ पे, इंडियन ओशन में सुनामी किस वजह से आई थी आपकी, अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है। तो बच्चे ये है क्या, ये अर्थक्वेक आपको पता है कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है ना, नेचर की वजह से ही होता है। तो कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेना बच्चे जिनको हम क्या पहले से हम पता लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाले, सॉरी कि वो जो नेचुरल फिनोमेना है वो आने, मतलब होने वाले, ये वो चीज़ हो अगर होगी पहले से हमें पता होगी तो हम उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी लाइटनिंग है या आपकी साइक्लोन्स हैं, वो क्या जब आते तो हमें पहले पता चल जाता है ना उनके बारे में, तो हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अर्थ को एक बच्चे एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना है जिसको पहले पता लगाना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसको हम ये पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब अर्थ को एक कैसे होता है, कहाँ होता है, किस वजह से होता है, वो उस
उन सब चीजों को डिस्कस करने से पहले हम पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अब आपको पता होगा कि अर्थ का स्ट्रक्चर, आपने ये अपनी छोटी क्लासेस में भी, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में क्या होते हैं। तीन होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से हम सारा चीज समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या, आपका इनर कोर जो कि एक सॉलिड आयन है, सॉलिड आयन, ये क्या आपका इनर कोर, सॉरी। उसके बाद आपका मोल्टन आयन, पहले सॉलिड आयन है, उसके बाद आपका बच्चे मोल्टन आयन, मोल्टन आयन, ठीक है। फिर उसके बाद मोल्टन आयन, अच्छा मैंने बाहर ही लिख दिया ये, कोई बात, मैं यहां लिख देती हूँ मोल्टन आयन, ठीक है। ये इनर कोर है, ये है आपका आउटर कोर, है ये कोर का ही पार्ट है, इनर एंड आउटर कोर, क्लियर। नेक्स्ट है आपका डेंस रॉक्स, डेंस रॉक्स, ये है आपका क्या बच्चे, मेंटल। एंड जो आउटर पार्ट है लाइट रॉक्स, वो है आपका क्रस्ट, इसको आप बोलते हो लाइट रॉक, ये क्या आपका क्रस्ट, सॉरी। और ये जो ये चीज है आपकी, ये है आपकी अर्थ, ठीक है। अब आपको पता है बच्चे कि अर्थ का स्ट्रक्चर जो होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, कौन कौन सा, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो आउटर पार्ट है वो है आपका क्रस्ट, मिडल पार्ट है आपका मेंटल, और इनर पार्ट है आपका कोर, ठीक है। तो सबसे पहले कोर की बात करते हैं। कोर जो है बच्चे आपका, ठीक है, जो इनर मोस्ट पार्ट होता है आपके अर्थ का, उसको आप क्या कहते हो, कोर कहते हो। और कोर जो है वो किससे बना होता है, मोस्टली कोर में क्या होता है, आपका आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कोर ऑफ द अर्थ जो है, ठीक है, जो अर्थ का कोर होता है वो इतना ज़्यादा गर्म होता है, इतना ज़्यादा हॉट होता है कि मोस्ट ऑफ द कोर, जो ये वाला आउटर कोर होता है ना, वो क्या होता है आपका, लिक्विड फॉर्म में होता है। वेयर एज कि अंदर हाई प्रेशर होने की वजह से आपका जो इनर कोर होता है वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठीक है। क्या दो कोर है, आउटर कोर जो है इतना एक्सट्रीम कोर जो है वो ऐसे ही इतना एक्सट्रीम हॉट होता है कि जिसकी वजह से जो उसमें आयन प्रेजेंट होता है वो लिक्विड फॉर्म, मोल्टेड फॉर्म में होता है। उसके बाद जो इनर कोर है उसमें हाई प्रेशर होने की वजह से जो आपका कोर, जो आपका आयन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है आपका, सॉलिड शेप में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, सॉलिड आयन जिसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका मेंटल। बच्चे जो सेंट्रल रीजन होता है आपका कोर और आपके क्रस्ट के बीच में, उसको आप क्या कहते हो, सॉरी मेंटल कहते हो, ठीक है। अब मेंटल जो है एक मिडिल लेयर होती है अर्थ की, एंड इसमें क्या होता है, ये किससे बना होता है, इसमें आपके डेंस रॉक्स होते हैं, ठीक है, और आपके सॉलिड रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, मेंटल में, डेंस रॉक एंड सॉलिड रॉक, क्लियर। एंड जो कुछ मेंटल जो होंगे उनमें मिक्सचर होता है आपके सॉलिड एंड लिक्विड का, ठीक है, क्या होता है, सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर होगा जिसको आप लावा कहते हो, सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्सचर, जिसको आप क्या कहते हो, लावा, जो वॉलकैनोस आप कहते हो ना, लावा जो वॉलकैनो से निकलता है वो यही होता है, वो मेंटल में प्रेजेंट होता है, सॉलिड प्लस लिक्विड, हॉट लिक्विड, मोल्टन रॉक्स, ठीक है। तो आपको पता है कि जो आपकी हीट निकलती है कहाँ से, कोर आपका बहुत एक्सट्रीम हॉट होता है, मैंने बताया, और जब आपकी हीट निकलती है कहाँ से, कोर से, तो वो मेंटल को क्या कर देती है, बहुत ज़्यादा हॉट कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है आपका, बहुत ज़्यादा कन्वेक्शन करंट जो होती है वो क्या करती है, क्रिएट होती है कहाँ पे, आपके मेंटल में। क्या था आपका कि मेंटल एक बीच का पार्ट है, मिडिल लेयर है आपकी क्रस्ट एंड कोर की, एंड इसमें आपके डेंस रॉक एंड सॉलिड रॉक्स, यू कैन से दैट कि सॉलिड प्लस लिक्विड रॉक्स का मिक्सचर प्रेजेंट होता है, हॉट सॉलिड, हॉट लिक्विड मिक्सचर
जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें जिसकी वजह से क्या हो जाता है आपका लावा, जिसको आप लावा भी कहते हो, ठीक है, जो वॉल्केनोज में लावा क्रिएट होता है। अब जो आउटर पार्ट है वो है आपके क्रस्ट, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ जो होता है उसको आप क्या कहते हो बच्चे, उसको आप कहते हो क्रस्ट, ठीक है। अब जो क्रस्ट है वो किससे बना होता है, क्रस्ट में बच्चे क्या होता है कि जो मेंटल से लाइटर आपकी रॉक्स प्रेजेंट होती हैं, किसमें, क्रस्ट में, इसमें सॉलिड, इसमें डेंस एंड इसमें लाइटर रॉक्स जो होती है वो किसमें प्रेजेंट होती है आपकी क्रस्ट में। उसके बाद क्या बच्चे कि जो अर्थ की क्रस्ट है जहां पे लैंड होगी ना, वो अर्थ की क्रस्ट जहां पे आपकी लैंड प्रेजेंट होगी वो क्या होती है, थिक होती है, क्या होती है, थिक होगी क्रस्ट, कहां पे, जहां पे आपकी लैंड प्रेजेंट होगी, ठीक है, जहां पे लैंड होगी वो पार्ट जो होगा वो क्या होगा, थिक होगा, जहां पे आपका ओशन होंगे वो क्या होगा, थिनर होगा, ठीक है, जहां पे ओशन प्रेजेंट होंगे क्रस्ट के पार्ट में वो थिनर पार्ट होगा, जहां पे लैंड होगी वो क्या होगा आपका, थिक होगा। तो आप बच्चे एक चीज ये देखो कि जो अर्थ की क्रस्ट होती है ना वो एक ही जैसा पार्ट नहीं होता, वो क्या होता है कि मतलब ऊपर नीचे होता है, मतलब वो क्या होता है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, मतलब कुछ कुछ पार्ट्स में बहुत सारे पार्ट्स जुड़े होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स मिला के आपको एक अर्थ क्रस्ट मिलता है, मतलब एक स्मूथ सर्फेस नहीं होती है, वो क्या निकलती है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है। तो वो जब वो फ्रेगमेंट्स जिसको मैं कह रही हूँ कि टुकड़ों में पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है या अर्थ क्रस्ट उनसे बना होता है, उसको आप कहते हो प्लेट्स, क्या कहते हो प्लेट्स की जो अर्थ क्रस्ट है वो एक पीस के साथ नहीं बना होता, वो क्या होता है, छोटे 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 पार्ट्स से बना होता है, जिसको आप क्या कहते हो, प्लेट्स कहते हो, ठीक है, कि जो आपका क्रस्ट ऑफ द क्रस्ट ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू मैनी प्लेट्स, ठीक है, द प्लेट्स ऑफ द अर्थ, वो प्लेट्स ऑफ द अर्थ जहाँ पे कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते हैं उसको कॉन्टिनेंशियल प्लेट कहते हो, जहाँ पे ओशन एग्जिस्ट करते हैं उसको ओशनिक प्लेट्स कहते हैं, मतलब वो किन से बना होता है, बहुत सारे पार्ट से बना होता है, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है ना, ये मेंटल है जिसमें आपकी कन्वेक्शन करंट फ्लो कर रही है, ये क्या आपका मेंटल है, मेंटल के ऊपर क्या होता है, क्रस्ट होता है। अब ये क्रस्ट क्या है, क्रस्ट जो है वो ऐसे नहीं है, बिल्कुल स्मूथ नहीं है, उसमें क्या है आपके कुछ फ्रेगमेंट्स है, कुछ प्लेट्स प्रेजेंट है, ये प्लेट्स है, और ये प्लेट जो ये हमेशा क्या करती है, मूवमेंट करती रहती है, ये क्या है, ये क्या है आपकी प्लेट्स है, और ये प्लेट्स क्या करती है, हमेशा मूव करती रहती है, प्लेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, और ये क्या करती है, मूव करती है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, ठीक है, प्लेट्स में क्या हो जाता रहता है, मूवमेंट होती रहती है। अब इन्हीं मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है बच्चे कि जब आपकी ये प्लेट जो है वो क्या करती है, मूव करती रहती है ना, अगर कभी ये प्लेट्स मूव करते करते आपस में टकरा जाती है ना, तो उस टाइम क्या मतलब कि उस टाइम आपका जो अर्थक्वेक आना आ जाएगा, है ना, जैसे ये प्लेट्स होंगी ये क्या करती है, ऐसे मूव होती रहती है, कभी कभी क्या हो जाता है कि ये प्लेट जो है वो एक दूसरे के साथ टकरा जाती है, सडनली टकरा जाती है, उस वजह से आपकी अर्थ जो है वो क्या करती है, शेक कर जाती है, ठीक है। सॉरी बच्चे, अर्थ को एक आता क्यों है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्लेट्स में क्या हो जाते हैं, मूवमेंट होती है, तो उस वजह से जब वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो इसके दो रीजंस हैं, एक तो कि वो स्लाइड करती है जब एक दूसरे के साथ, और दूसरे की जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाती है, ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक प्लेट है, ठीक है, तो ये ऐसी है और दूसरी प्लेट यहाँ पे इसके साथ ये ऐसे है, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, ठीक
कि जब ये एक दूसरे के साथ क्या करती है, स्लाइड करती है ना, ऐसे मूवमेंट होती है ना इनकी, जब ये एक दूसरे के साथ स्लाइड कर रही होती है ना, उस टाइम एक तो आपका अर्थक्वेक आएगा और दूसरा क्या है कि ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेट है, ये एक दूसरी प्लेट है, जब ये एक दूसरे को कोलाइड करती है तो ये क्या करती है, एक नया माउंटेन बना देती है दोनों प्लेट्स को कोलाइड करके, ये न्यू माउंटेन, ठीक है, ये था जब ये स्लाइड करती है, जब एक दूसरे स्लाइड करेंगी तो अर्थक्वेक आएगा। एक तो है स्लाइडिंग से कि जब भी एक दूसरे से स्लाइड करेंगी, स्लाइड करते टाइम ये स्लाइड कर रही है, स्लाइड करते टाइम क्या होगा तब अर्थक्वेक आ सकता है, या फिर सेकंड के जब ये एक दूसरे से कोलाइड करके एक नया माउंटेन बनाएंगी उस अर्थक्रस्ट की वजह से, उन प्लेट्स की वजह से, उस टाइम भी क्या बोलोगे कि ये अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। सॉरी तो बच्चे अर्थ प्लेट्स इन द हिमालयन रीजन पुश अगेंस्ट वन अनदर रेजिंग माउंटेन एंड काजिंग अर्थक्वेक, ठीक है। अब और अर्थक्वेक किस वजह से आ सकते हैं, वॉल्केनिक इरप्ट्स की वजह से भी आते हैं, या फिर जो बिग मेट्राइड जो होते हैं ना, जो आपके आसमान से वो जो मेट्राइड्स आते हैं, जब वो अर्थ के साथ हीट करते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो तो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने की वजह से भी आपकी क्या हो जाती है, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। किस किस वजह से आते हैं, वॉल्केनो इरप्ट्स, वॉल्केनो इरप्ट्स की वजह से, ठीक है, बिग मेट्राइड जो पत्थर होते हैं आपके, बिग मेट्राइड जब वो अर्थ के साथ हीट करते हैं तब आपका अर्थक्वेक आ सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है, इन सब की वजह से क्या हो जाता है आपका बच्चे, अर्थक्वेक आना पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल का अर्थक्वेक आता है, ठीक है, इन वजह से। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक होते हैं वो किस वजह से होते हैं, मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट की वजह से, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अर्थ क्लस्ट की जो प्लेट्स होती है उनमें जब मूवमेंट होती है तो उनकी वजह से क्या हो जाता है, आपका अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, आप देखते हैं कि सिस्मिक जोन और फॉल्ट जोन क्या होते हैं। बच्चे देखो, कुछ जोन होते हैं ना जिनमें क्या होता है कि आपका पता है कि वहां पे आपके जो अर्थक्वेक है वो आने ही आने हैं, ठीक है, जो डेंजर जोन रहते हैं उनको आपके कहते हो सिस्मिक जोन कहते हो। आपको पता है कि जो अर्थक्वेक्स हैं वो अर्थ प्लेट की मूवमेंट की वजह से आते हैं, ठीक है, और जो प्लेट्स की बाउंड्रीज होती है वो इतनी वीक होती है ना कि जिसकी वजह से अर्थक्वेक जब वो आता ही आता है, ठीक है, तो जो वीक जोन होते हैं अर्थ क्रस्ट के जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं उनको आप क्या कहते हो, सिस्मिक जोन, ठीक है। तो जो कुछ एरिया जो आपके सिस्मिक जोन के अंडर आते हैं वो कौन कौन से हैं, वो है आपका कश्मीर, ठीक है, जो सिस्मिक जोन के अंडर आते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं, एक है आपका कश्मीर, उसके बाद है आपका वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस, उसके बाद आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, सॉरी होल नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद रन ऑफ कच्छ, क्लियर, एंड और है आपका राजस्थान एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये कौन से एरिया है बच्चे, ये है अर्थक्वेक प्रोन एरियाज की जहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, ये वो एरियाज है आपके, ठीक है, और कुछ साउथ इंडिया का भी एरिया है जो किस में आता है आपका अर्थक्वेक डेंजर जोन में,
सम एरिया ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, सम एरिया ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन, ऑल्सो फॉल इन अर्थक्वेक डेंजर जोन. अर्थक्वेक डेंजर जोन, ठीक है. ये सारे कौन कौन से एरियाज हैं? कश्मीर हो गया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हो गया, पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया, रन ऑफ कच हो गया, राजस्थान हो गया, इंडो गंगेटिक प्लेन हो गया, और कुछ एरिया साउथ इंडिया के वो भी कहाँ पे आते हैं आपके अर्थक्वेक डेंजर जोन में, कि जहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो क्या है डेंजर जोन में, मतलब ये एरिया जो है वो डेंजर जोन में है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होते हैं आपके अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं, ठीक है. अब आपका सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफ चलो अच्छा सिस्मोग्राफ क्या होता है? अर्थक्वेक पता कैसे चलता है कि कितना अर्थक्वेक आया है, कि अर्थक्वेक आया है नहीं, वो किससे पता चलता है? वो चलता है आपका पता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, मेजर करता है आपके अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को, ठीक है. एक तो आपको पता होगा कि जो अर्थक्वेक होता है ना, तो वो क्या करता है, शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है, जिसको आप सिस्मिक वेव्स भी बोलते हो. तो यही शॉक वेव्स जो हैं ये क्या करती हैं, अर्थ के हर एक पार्ट में, हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, ठीक है, और अर्थ के सर्फेस पर पहुँच जाती हैं शॉक वेव्स. तो यही जो है, जो शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, सिस्मोग्राफ इसको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है. अब सिस्मोग्राफ का सबसे पहले आप हम देखेंगे कि अर्थक्वेक जो है वो क्या करता है, पॉइंट्स में देखते हैं. अर्थक्वेक जो है वो क्या करते हैं, शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको आप सिस्मिक वेव्स भी कहते हैं, प्रोड्यूस शॉक वेव्स, ठीक है. शॉक वेव प्रोड्यूस किया, अब ये शॉक वेव जो होती है ये कहाँ पे पहुंच जाती है, ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन ऑफ, इन ऑल डायरेक्शन ऑफ अर्थ, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन ऑन अर्थ, क्लियर. अब जो आपका सिस्मोग्राफ है ये क्या करता है, सिस्मोग्राफ जो है ये क्या करता है, ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है. क्या होता है सिस्मोग्राफ, क्या है बच्चे, ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, मेजर विच रिकॉर्ड्स एंड मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करता है, उसके मैग्नीट्यूड को क्या करता है, मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है इन टर्म्स ऑफ शॉक वेव्स, इन टर्म्स ऑफ शॉक वेव्स इट प्रोड्यूसेस, ठीक है. जो अर्थक्वेक शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है ये सिस्मोग्राफ क्या करता है, उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है. अब सिस्मोग्राफ जो होता है ये क्या करता है, एक टाइप का क्या होता है, इन्होंने एक पेपर लगाया होता है रोलिंग ड्रम पे, ठीक है, रोलिंग ड्रम पे ग्राफ पेपर लगाया होता है, और वायर से इन्होंने क्या किया होता है, हैवी वेट लगा के एक पेन को होल्ड किया होता है, ठीक है. जैसे वो जैसे वो अर्थक्वेक आता है तो वो क्या करता है, शॉक वेव्स प्रोड्यूस करके वहाँ पे वो क्या करता है कि ग्राफ पे जो पेन की, जैसे वो रोलिंग करते जाएगा ना, ड्रम रोटेट करता जाएगा, तो वो पेन क्या करेगा, ग्राफ पे ये जो पेपर होगा उस पर सिस्मिक ग्राफ, जो शॉक वेव जो है उनको क्या करता है, ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो हिलता है जब अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे ये ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. ये देखते हैं कैसे बनता है, अगर देखते बनेगा अगर हमसे तो, ये एक बेस होता है, ठीक है, ये एक बेस हो गया, और यहाँ पे आपका एक सपोर्ट सिस्टम होता है, क्लियर. ये एक सपोर्ट सिस्टम हो गया, इसको इन्होंने टाई किया हुआ है एक धागे के साथ, यहाँ पे एक हैवी वेट लगा दिया हुआ है, ठीक है, ये हैवी वेट है, ये आपकी वायर है, क्लियर. ये है एक हैवी वेट,
हैवी वेट लगाया हुआ है, ये आपका सपोर्ट सिस्टम है। क्लियर? उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने एक पैन लगाया हुआ है, ये एक पैन लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका रोलिंग ड्रम, ये टाइप का ग्राफ पेपर है, ये क्या आपका रोटेटिंग ड्रम, रोटेटिंग ड्रम, ठीक है। ये आपका है बेस, काइंड ऑफ ग्राफ है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका आएगा अर्थक्वेक्स आएंगे, ये मूव करेगा और ये ऐसे ऐसे क्या होते जाए, ये रोटेट करते जाएगा और ग्राफ पे क्या होते जाएगा, शेक्स जो शॉक वेव्स होंगी वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलो एक बार फिर से देखते हैं इसमें होता क्या है कि जैसे अर्थक्वेक आता है तो अर्थ शेक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अर्थ जैसे शेक होगा देखो होता क्या है, ये हैवी वेट है, ये हैवी वेट है, ये मूव नहीं करता है, मूव क्या करता है, ये ड्रम रोटेट करता है। कब रोटेट करता है, जब अर्थक्वेक आएंगे, अर्थक्वेक आएगा आपका जो पूरा अर्थ जो होगा वो शेक करेगा, ये हैवी वेट होने की वजह से बिल्कुल शेक नहीं करेगा, शेक करेगा तो आपका रोटेटिंग ड्रम, जैसे जैसे वो मूव करेगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे अर्थक्वेक आएगा है ना, सडन शॉक्स आते जाएंगे, अर्थ रोटेट करेगा, आपका ड्रम भी क्या होगा उसी के अकॉर्डिंग रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा। जैसे वो रोटेट करेगा यहाँ पे ऊपर पैन होगा तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपके ग्राफ पेपर पे क्या होगा, पेन से जितने भी आपके पेन जो होगा वो क्या करेगा, ट्रेस करते जाएगा बिटवीन द शेकिंग अर्थ एंड स्टेशनरी सस्पेंडेड हैवी वेट के बीच में। तो यही जो आपका ट्रेस आएगा ग्राफ पेपर के ऊपर वो क्या होता है, आपका अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ क्या होता है, ये ट्रेस है ना, जैसे ये ग्राफ पेपर है यही रोटेटिंग के अंदर, तो इसमें क्या होता है ऐसे, ये क्या है आपके अर्थक्वेक ट्रेस हुए होते हैं, ठीक है, सिस्मिक वेव जो शो करते हैं। तो सिस्मोग्राफ क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड जो हुआ था उसको आप सिस्मोग्राम भी कहते हो, सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड शो सिस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्डिंग ऑन ग्राफ पेपर बाय सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो जो आपका बच्चे प्लेस वो जगह अर्थ क्रस्ट की जहाँ पे आपके अर्थक्वेक जनरेट होती है उसको आपके कहते हो फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, क्या कहते हो, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक क्या होता है, वो प्लेस जहाँ पे आपका अर्थ क्रस्ट का वो पार्ट जहाँ पे आपका अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको आप क्या कहते हो, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। तो वो पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस जो फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है उसको आप क्या कहते हो बच्चे, एपिक सेंटर, क्या कहते हो, एपिक सेंटर। मैं बताती हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर ये फोकस है तो आपके फोकस के बिल्कुल ऊपर डायरेक्टली अबव द फोकस जो पॉइंट होगा अर्थ के सरफेस पे उसको आप कहोगे एपिक सेंटर, एपिक सेंटर, ठीक है। क्या मतलब, फोकस हो गया जहां से वो जनरेट हुआ उसके डायरेक्टली अपोजिट जो पार्ट होगा अर्थ सरफेस का उसको आप क्या कहोगे, एपिक सेंटर, ठीक है। तो यही था, कल हम देखेंगे कि इसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अर्थक्वेक को, या फिर हम देखेंगे कि जो आपका रिक्टर स्केल क्या होता है, ठीक है। और इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा अपने अर्थक्वेक के बारे में कि अर्थक्वेक क्या होता है, ठीक है। अर्थक्वेक जो होता है वो जो सडन शेक्स होते हैं आपकी प्लेट्स में, जो आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर प्लेट्स प्रेजेंट होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स, उनके अंदर जब मूवमेंट होती है, जब वो स्लाइड करते हैं या फिर वो कोलाइड करते हैं, उनकी कोलाइड या स्लाइड होने की वजह से क्या हो जाता है, आपका अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। तो सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपना अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। जो ये शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम सिस्मोग्राफ यूज़ करते हैं। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है, एक बेस दिया होता है,
एक सपोर्ट सिस्टम लगाया होता है जिसपे आपने वायर के थ्रू एक हैवी वेट लगाया होता है और उसके साथ एक पेन कनेक्टेड होता है। जो ये वाला पार्ट है ये आपका क्या होता है, स्टेशनरी रहता है, मतलब स्टैटिक रहता है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता, डायनेमिक नहीं होता, ये स्टैटिक होता है, मतलब मूवमेंट नहीं होती है इसमें कुछ भी। बेस के ऊपर आपने एक रोटेटिंग ड्रम लगाया होता है, वो ड्रम तब रोटेट करता है जब आपका अर्थक्वेक आता है। जैसे आपका अर्थक्वेक आएगा आपकी अर्थ शेक करेगी, अर्थ शेक करने के साथ साथ आपका ड्रम भी क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा। जैसे ड्रम रोटेट करेगा ऊपर आपका पेन फिक्स किया होगा, रोटेट जैसे जैसे करेगा, मतलब जितना जितना वो अर्थ शेक हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ही पेन के थ्रू क्या होंगे, ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा ग्राफ पे। तो उसी ट्रेस को जब हम बाद में रीड आउट करते हैं तो उससे पता चलता है कि आपका अर्थक्वेक आया हुआ है और कितना आया हुआ है, ठीक है। और वो पॉइंट जहाँ पे अर्थ क्रस्ट का वो पॉइंट जहाँ पे आपका अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको फोकस ऑफ द अर्थक्वेक कहते हैं, और फोकस के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अबव ऑफ द अर्थ, ऑन द अर्थ सरफेस पे फोकस के बिल्कुल जो अबव पार्ट रहता है उसको आप क्या कहते हो, एपिक सेंटर। ठीक है बच्चे, थैंक यू।